नमस्कार दोस्तों, थैंक्स ऑल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राउड वन के बारे में, और क्राउड वन का जो 5 साल का सफर है ये कंप्लीट हो गया है, संपूर्ण हो गया है 5 साल का सफर। और कहीं ना कहीं सिस्टम अब नए नए जो प्रोडक्ट है, नए नए जो सिस्टम है उसकी ओर अग्रसर करते जा रहा है। तो दोस्तों, 5 साल का सफर ऐसे ही पूरा नहीं होता, इसके बीच में सिस्टम ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, और साथ में इससे जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी दोस्तों काफी पेशेंस बनाए रखे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 5 साल का सफर है दोस्तों, इतना आसान नहीं रहा है, न ही सिस्टम के लिए, न ही इसमें जुड़े हुए मेंबर्स के लिए, क्योंकि सिस्टम हमेशा बड़ा करने में लगा हुआ था कि कुछ ऐसा किया जाए जो अलग अलग हो अन्य सिस्टमों के मुकाबले में। और इसमें ट्रस्ट करके काफ़ी लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं आईडी एक्टिव करवाया, यहाँ पर पैकेज बाय किया, लेकिन जैसा सभी को उम्मीद था वैसा बड़ा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन सिस्टम ने एक नई उम्मीद अभी दिलाई है, वो क्या है, C1 टोकन। ऐसा बताया जा रहा है पूरे वर्ल्ड जो लीडर है, पूरे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर है जो क्राउड वन में जुड़े हुए हैं, उनकी निगाह कहीं ना कहीं C1 टोकन में है। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो क्राउड है, इसमें जो कम्युनिटी है काफ़ी बड़ा हो गया है दोस्तों, ये जो समूह है काफ़ी बड़ा समूह हो गया है, इसीलिए यहाँ पर जो है डिमांड बढ़ सकता है इस C1 टोकन का। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो लीडर है धीरे धीरे एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हो आप, 1.5 मिलियन दोस्तों जो जनवरी का महीना है, इसमें जो यूज़र है यहाँ से जुड़े है। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू मेंबर C1 साइन अप सिंस January 1st, तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पर सिस्टम में देखा जाए तो अभी नई नई जो न्यूज़ या बोल सकते अपडेट जो आ रहा है, इससे यही लगता है कि सिस्टम अब कुछ नया कर सकता है, अब कुछ बड़ा कर सकता है। पहले ऐसा लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसके प्लान हम पहले भी देख चुके थे और इससे भी अच्छे अच्छे प्लान मार्केट में आ गया था दोस्तों। तो क्राउड वन ने समय का जो है स्थिति को समझा कि क्या करना चाहिए और क्या करने से सही रहेगा, फिर दोस्तों ये डिसीजन कहीं ना कहीं सिस्टम ने लिया है C1 टोकन निकालने का। वैसे देखा जाए तो रोड मैप के अनुसार सिस्टम चलने की कोशिश किया है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जो एक सफलता चाहिए था वो हासिल नहीं हो पाया है, बहुत सारी कमियां भी रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं कभी भी किसी भी सिस्टम का ये नहीं कहता हूँ कि इसमें कमियां ही नहीं रही होगी, कई बार कई सारी कमियां रह जाती है, तो उसे अपडेट करके जो आगे बढ़ता है कहीं ना कहीं वो सफल होता है। अब चलिए मैं दिखाता हूँ कुछ खास चीज़ें C1 टोकन के बारे में। दोस्तों ग्रुप में यह जो पोस्ट है ये अपलोड किया गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है जो C1 टोकन है जो उसका एक छोटा सा एक रोड मैप लॉन्चिंग का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सारी जानकारियाँ छोटी छोटी दी गई है। दोस्तों इसके अनुसार मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है एयर ड्रॉप क्लेम, तो यहाँ पर एयर ड्रॉप क्लेम की बात की गई है। फिर दोस्तों जो सेकेंड स्टेज है वहाँ पर लिखा हुआ है कम्युनिटी लिक्विडिटी इवेंट, फिर लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल टोकन लॉन्च, ये जो तीसरा पॉइंट है Stage 3 ऑफिशियल टोकन लॉन्च की बात की गई है। फिर दोस्तों चौथा स्टेज में लिखा गया है इकोसिस्टम ग्रोथ। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें एयर ड्रॉप क्लेम की, जो फर्स्ट स्टेज है, कहीं ना कहीं सभी को एयर ड्रॉप अभी क्लेम करने का मौका मिला है। फिर दोस्तों जो कम्युनिटी लिक्विडिटी इवेंट, यहाँ पर दोस्तों काफी सारी चीजों का एनालिसिस किया जाएगा कि कौन सा चीज कौन सी नई स्ट्रेंथ करना सही रहेगा, यहाँ पर कम्युनिटी लिक्विडिटी इवेंट में होगा। यहाँ पर लिखा है कटअप डेट फॉर ऑन गोइंग टोकन एयर ड्रॉप कॉम्पेन, फिर लिखा है दोस्तों यहां पर आप पढ़ सकते हो इनिशियल टोकन फंड रेस
फॉर लिक्विडिटी प्रोपोसेस। तो दोस्तों यहाँ पर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ टोकन को लॉन्च करना ही नहीं चाहती, उसके अलावा भी दोस्तों इसमें क्या आगे ग्रो हो सकता है उसे कहीं ना कहीं ऊपर लेके चल रही है। फिर लिखा है ऑफिशियल टोकन लॉन्च, डेक्स लिस्टिंग, C1, Web3 वॉलेट, फिर दोस्तों लॉन्च ऑफ स्टेकिंग पूल्स। तो यहाँ पर डेक्स लिस्टिंग होगा, C1, Web3 वॉलेट का भी दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर भी उल्लेख किया गया है, ये देखिए। फिर लॉन्च ऑफ स्टेकिंग पूल्स, तो दोस्तों यहाँ पर स्टेकिंग पूल्स भी रखे जाएंगे। फिर इकोसिस्टम ग्रोथ की बात की गई है, दोस्तों जो इकोसिस्टम होता है सिस्टम की, उसकी कहीं ना कहीं ग्रोथ होना ज़रूरी है, कि वास्तव में जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम बना के रखा है अलग अलग, तो उनमें क्या ग्रोथ कर सकती है कंपनी, कितनी आगे तक सोच सकती है और आगे बढ़ा सकती है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब होता क्या है, टोकन आ तो जाता है लेकिन उसके आगे ग्रोथ के बारे में कोई चर्चा नहीं होता है, और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का क्वाइन या टोकन है इसे दोस्तों उसका जो है डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसलिए सिस्टम को यहाँ पर इकोसिस्टम ग्रोथ का उल्लेख किया है, कि हमें ग्रोथ भी करना है, लॉन्चिंग होना एक अलग बात है लेकिन उसके साथ साथ उसके कीमत में बढ़ोतरी आते रहना वो अलग बात है। अभी मैं नेटवर्क में कई सारे ऐसे टोकन देखता हूँ जिसका कीमत शुरुआत में तो बहुत हाई गया लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो स्तर है काफ़ी नीचे आ गया है। तो दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं सब्सक्राइब का इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जो भी मैं अपडेट इस चैनल पे अपलोड करूँगा या कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन वीडियो में जैसे अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी। और आपकी टीम को भी शेयर कीजिए अगर अच्छी लगे तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी, और वो भी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बने रहे थैंक्स आल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।